नमस्कार, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथिली ठाकुर पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ और इस विशेष श्रृंखला में मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगी, जिसकी शुरुआत मैं आज मंगलाचरण गाकर करने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे आगामी वीडियोस देखने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रामचरितमानस अवधि में लिखा हुआ एक महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। इसको तुलसी रामायण भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के रामावतार की कथा ही रामायण है। यह भारतीय भक्ति साहित्य की सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है। श्री रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है श्री राम के चरित्र, यानी उनके द्वारा की गई आचरण का सरोवर। त्रेता युग में भगवान श्री राम धरती पर प्रकट होकर अपने आदर्श और पुरुषार्थ से जन जीवन में एक चेतना प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में हिंदू देवता श्री राम जी के जीवन का विवरण है, जिसमें कि जन्म से लेके विवाह, वन गमन, सीता हरण, रावण से युद्ध और विजय की कथा 7 अलग अलग भागों में विभाजित करके लिखा गया है, यानी 7 कांड में विभाजित है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्तरी सरस्वती और मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उन्होंने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंधकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ
विश्वम् अखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलम् प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति शीर्षावता वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामा मति मंजुल मातनो